सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी और मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव जी, आज कन्नौज में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के महासचिव आदरणीय सतीश मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा जी, आदरणीय श्रीमती जयबच्चन जी, आदरणीय श्रीमती अल्पना मिश्रा जी, आदरणीय अहमद हसन साहब जी और मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष कुशवा जी, जिनके पंडाल में हम और आप सब बैठे हैं, जिस स्थान पर हम लोग हर बार चुनाव के समय पर इकट्ठा होते हैं, मनोज जी और हमारी समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी नेता, जिलाध्यक्ष मुन्ना दरोगा जी, समाजवादी पार्टी के उपस्थित सभी हमारे नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, माताएं बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं साथ ही साथ आप सबका आभारी हूं, मैं आप सबका आभारी हूं और साथ ही साथ आपके जोश और उत्साह के साथ मैं ये कह सकता हूं, जोश और उत्साह बता रहा है कि जिस समय मतदान होगा तो यहां से ऐतिहासिक वोटों से डिंपल यादव जीत करके जाएंगे। ये चुनाव देश का चुनाव है, ये कन्नौज का चुनाव तो है लेकिन ये देश का चुनाव है और देश का चुनाव मैं इसलिए कह रहा हूं, देश का चुनाव मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो आज वर्तमान में सरकार है उसने दुख तकलीफ दी है, जनता को परेशान किया है, उन जनता के साथ धोखा किया है, जनता को गुमराह करने का काम किया है। जहां देश को आगे जाना चाहिए था ये देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे, इसलिए देश का चुनाव है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक समय पर कहते थे कि अगले 50 साल तक कोई सरकार नहीं आएगी, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है, जब से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है, भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि कौन सी एक सीट जीत पाएंगे, कहीं खाता खुलने नहीं जा रहा है। हालांकि हम आदरणीय सतीश मिश्रा जी का बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं, आज आपका कार्यक्रम यहां पर नहीं था कन्नौज में, आपको आदरणीय मायावती जी के साथ दूसरी जगह जाना था, लेकिन हमने निवेदन किया कि आज नामांकन है और कन्नौज के चुनाव की शुरुआत है, अगर आप रहेंगे तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। और अगर आप अकेले आते तो बात नहीं बनती, बात अधूरी रह जाती। जो आपका रिश्ता है वो रिश्ता आपने निभाया और आदरणीय अल्पना मिश्रा जी को भी आप लेकर के आए हैं, अब कोई ताकत नहीं रोक सकती समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जीतने के लिए।
ये आपका रिश्ता जाने कितना गहरा रिश्ता है। कन्नौज से आपने अपना रिश्ता बताया, गहरा रिश्ता है आपका, सम्मान का रिश्ता है। कन्नौज की जनता आपका सम्मान करती है, लेकिन हम समाजवादी लोगों का वोट का रिश्ता ऐसा है और समाजवादी विचारधारा का विरासत का रिश्ता है कि एक बार डॉक्टर लोहिया जी को जिताया और आज तक समाजवादी पार्टी को यहां की जनता जिता रही है। आपका गहरा रिश्ता है, हमारा विचारों का रिश्ता है इस कन्नौज की जनता से। और जहां विचार मिल जाते हैं वहीं गहरा रिश्ता बनता है, जहां विचार नहीं मिलते वहां गहरा रिश्ता नहीं बन सकता। और इसीलिए ये गठबंधन दो दलों का तो है, लेकिन ये विचारों का भी गठबंधन है। ये जमीन पर जो कार्यकर्ता हैं उनका मिलन का भी ये गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव आया, वो बदलाव तो आपने देखा। जब सपा और बसपा मिल गई तो उत्तर प्रदेश में कैसा बदलाव आया है आप जानते होंगे। एक मठ और एक बाबा जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, इनसे अच्छा मुख्यमंत्री कोई हो नहीं सकता। गठबंधन हुआ, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। गठबंधन हुआ, सीट खो दी। और एक और दूसरे जो अपने आप को कहते थे कि हम एक दूसरी सीट, और जो अपने आप को स्टार बैकवर्ड कहते थे, स्टार बैकवर्ड कहने को तो वो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक बार उस गलती से कुर्सी पे बैठ गए थे, दोबारा उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। ऐसे आपके स्टार बैकवर्ड हैं। इसलिए ये गठबंधन केवल विचार दलों का नहीं है, ये जनता का संगम है। और मैंने कई मौकों पर कहा यही गठबंधन है जो देश की राजनीति को दिशा देने वाला है। जो बात कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से शुरू हुई थी, अगर इतिहास के पन्ने हम पलटने और राजनीति के इतिहास के पन्ने अगर हम पलट करके देखें, ये वही गठबंधन है जो एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी मिलकर के करना चाहते थे, दोनों मिलकर के एक साथ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन समय ने उन्हें मौका नहीं दिया। लेकिन वही गठबंधन एक बार फिर बना था। उस समय नेताजी और स्वर्गीय काशीराम जी ने मिलकर के उस गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जो सिद्धांत को ले जाना चाहते थे, उन्हीं सिद्धांतों को आदरणीय मायावती जी और हम समाजवादी लोगों ने मिलकर के जमीन पर उतारने का काम किया है। ये प्रधानमंत्री जी तो पैर धोते रहे, हम और आप केवल पैर धोना देखते रहे, और उसके साथ साथ उन्होंने नौजवानों की नौकरियां भी धो दी। किसी को नौकरी मिलने वाली नहीं है। हमें और आपको उलझा दिया कि बुलेट ट्रेन आएगी, बुलेट ट्रेन। और बुलेट ट्रेन किसके लिए बनाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी? बुलेट ट्रेन बनाना चाहती थी हीरे के जो एक्सपोर्ट करते हैं, हीरों का जो कारोबार होता है, हीरो का कारोबार जो सूरत से लेकर के मुंबई के बीच में है, जो गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र में है, उनके लिए बुलेट ट्रेन बन रही थी। लेकिन बुलेट ट्रेन नहीं बनी। हम समाजवादियों ने कहा कि हमें बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत है। आज हमसे आपसे अगर उनके खिलाफ बोल दें तो सर्टिफिकेट लेने का, या सर्टिफिकेट हमसे और आपसे मांगते हैं। कोई बात हम लोग कह दें तो उसके लिए सर्टिफिकेट मांग लेते हैं।
हम उन्हीं सर्टिफिकेट मांगने वालों से कहना चाहते हैं कि डिंपल के परिवार में इतने लोगों पर सर्टिफिकेट है फौज का कि आप हिसाब किताब लगा लो, आपके पास किसी पे नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, ये देश का चुनाव है, ये देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाने वाला चुनाव है। जब हम दुनिया में देखते हैं हमारा देश कहां है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत को हमने ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ा दी है, दुनिया में हमने न जाने कहां भारत को खड़ा कर दिया है। लेकिन अगर हम आंकड़ों में देखें तो आज हम दुनिया से न जाने कितना पीछे दिखाई दे रहे हैं। दुनिया जितनी भी है भारत के आसपास, बहुत तरक्की कर ली, बहुत खुशहाली हो गया है, लेकिन आज भी हम लोग गरीबी में हैं, हमारा किसान दुखी है, नौजवान के पास कोई नौकरी के अवसर नहीं है। ये हमारे नौजवान अगर सपना देखना चाहें कोई, तो वो सपना भी नहीं पूरा कर सकते, ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। जो हमारा देश आगे बढ़ रहा था, उस देश को पीछे कर दिया। अगर आंकड़े निकालें आज, तो हम भुखमरी में आगे हैं, उन देशों के बराबर हो गए, सोमालिया इथियोपिया के बराबर हम हंगर इंडेक्स में पहुंच गए। बीमारियां उठा करके देखें तो बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, कैंसर में हम आगे हैं, डायबिटीज में हम आगे हैं, हार्ट की बीमारी में हम आगे हैं। ये 5 साल में न जाने कितने पीछे छोड़ दिया। और जो बदलाव लाना था वो बदलाव नहीं आया है, जो खुशहाली आने थी वो नहीं आई है। ये पहली सरकार है जिसने अपने वादे के खिलाफ काम किया है। कोई सरकार ऐसी नहीं जो अपने वादे के खिलाफ काम करती हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो वादा करती है उसके खिलाफ काम करती है। इन्होंने कहा था कि हम करोड़ों नौकरी देंगे, इन्होंने करोड़ों नौकरियां नहीं दी, GST लागू कर करके और नोटबंदी कर करके करोड़ों नौकरियां छीन ली। कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हम पूछना चाहते हैं, बताओ कितने किसानों का आलू खरीदा है? कोई हमें किसान बता दे जिसका 1 किलो आलू भी सरकार ने खरीदा हो। हम अपने कन्नौज के उन समाजवादी साथियों को और किसान भाइयों को बधाई देना चाहते हैं जो आलू लेकर के यहां से निकले, जिस समय सड़ गए थे आलू कोल्ड स्टोर में, हमारे किसानों को कीमत नहीं मिली। कन्नौज के हमारे कार्यकर्ता थे, किसान भाई थे, जो किसान भाई यहां से निकले एक्सप्रेसवे से जल्दी पहुंच गए। लखनऊ में उजाला नहीं हुआ था, वो रास्ता भूल गए, उन्हें जो जो बिल्डिंगें बड़ी दिखाई दी उनके सामने आलू फेंक दिया। और जब प्रशासन की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक कुछ गवर्नर हाउस के सामने आलू पड़ा है, कुछ मुख्यमंत्री जो विधानसभा का सामने कार्यालय नया बना उसके सामने आलू है, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके यहां जो आलू फेंके थे वो आलू उन्होंने अपने मुख्यमंत्री आवास में बनवा लिए, दोबारा आलू दिखाई नहीं दिए। आलू के हालात कैसे सोचो आप? ये सड़क बनाई इसलिए कि किसानों का सामान बाजार तक जल्दी पहुंच जाए। सड़क पर आप चलेंगे तो आप जानते होंगे सड़क किसकी है। ये सड़क पर चलोगे तो याद आएगी, जैसे इत्र की याद आती है खुशबू की, वैसे इस सड़क पर चलने पर याद आती है कि सड़क है तो समाजवादियों जैसी है। और ऐसी सड़क बनाई जिसमें हवाई जहाज उतर गए। और 2 साल में बताओ भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम किया हो तो बताओ। गांव में एक बीमारी होती है गला घोंटू बीमारी, भारतीय जनता पार्टी को भी काम रोको बीमारी है, काम रोको बीमारी। मंडी बन रही थी, मंडी का काम रोक दिया। इत्र का बड़ा प्लांट लगा रहे थे हम, फ्रांस से लेकर के आए थे, जो दुनिया की इत्र की राजधानी है। अगर फ्रांस को
अपने एक शहर पर घमंड है, गर्व है कि उनका शहर सबसे ज्यादा खुशबू इत्र पैदा करता है, तो भारत के लोगों को भी अपने कन्नौज पे गर्व है कि सबसे ज्यादा खुशबू अगर कहीं से आती है तो कन्नौज से खुशबू आती है। वो कारखाना रोक दिया, समाजवादियों ने पुल बनाए, गंगा पे पुल बन गया, और जिन साथियों ने देखा होगा बाढ़ आई होगी, पानी ज्यादा रहा होगा, लेकिन समाजवादी सरकार में जो पुल बन रहा था उसका काम नहीं रुका। एक साल के अंदर पुल बन के तैयार हो गया। हमारे कुसुमखोर के भाई आए होंगे और हरदोई की हमारी प्रत्याशी उषा वर्मा जी ये जानती होंगी कि कन्नौज के लोग और हरदोई के लोगों की मांग थी कि एक पुल बन जाए गंगा पर। कानून ये कहता था कि गंगा पे पुल नहीं बन सकता इतनी दूरी पर। हमने कहा ये समाजवादियों की सरकार है, इसमें कानून बदले जाते हैं, और पुल वहीं पर बना करके समाजवादियों ने एक गंगा पे पुल बना दिया। गंगा पे पुल बने, काली नदी पर पुल बने, कई बार वहां भी पुल बन गए, जिन्होंने पुल मांगे नहीं थे वहां भी पुल बना दिया समाजवादियों ने। समाजवादी लोग तो पुल बना रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, दिलों का तोड़ने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच में खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, यही जगह है जहां से मैं पहला चुनाव जीता था। हमारे पुराने लोग खड़े हैं सामने तुम्हारे पीछे, और वहां बैठे देखो, पुराने लोग जानते होंगे जब हम लोग आपकी उम्र के थे तभी यहां पर चुनाव लड़ने आए थे, और वो चुनाव लड़ने का भी किस्सा न जाने कैसा है। एक पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी शादी होते ही किस्मत खुल जाएगी। मेरी 24 नवंबर को शादी हुई और कन्नौज की जनता ने 18 फरवरी को मुझे लोकसभा में भेज दिया। मनोज दीक्षित जी जानते होंगे, यही कोल्ड स्टोर जो आपने ले लिया है अब होटल बना दिया है, यही भारत होटल था, इसी के एक कमरे में रह करके पहला चुनाव लड़े थे, और जब से वो चुनाव लड़े हैं कन्नौज की जनता से रिश्ता बन गया है। चाहे कुछ बदल जाए, इधर से उधर चीजें हो जाएं, लेकिन कन्नौज से रिश्ता समाजवादी पार्टी का और हमारा नहीं टूट सकता, यही भरोसा है हमारा आपका। हम लोग तो यहां राजनीति सीखे हैं और उस समय राजनीति में आए थे जब जनेश्वर मिश्र जी ने खड़ा कर दिया, नियाजम खान साहब ने खड़ा कर दिया, मैं भाषण नहीं दे पाया था, केवल हमने वोट मांगा था, लेकिन वहीं यहीं के नौजवानों ने गली गली में नारे लगा करके मुझे जिताने का काम किया था। यहाँ के लोग हैं जो हमें अपने नाम से नहीं बुलाया कभी, जो बुजुर्ग रहे उन्होंने हमें अपने पुराने नाम से ही बुलाने का काम किया। ये कन्नौज से नेताजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, और हमें मौका दिया है काम करने का, सेवा करने का, और अब डिम्बल को मौका आपने दिया है, और वो भी इतिहास कन्नौज की जनता ने बनाया था कि कोई डिम्बल के सामने नहीं लड़ा और निर्विरोध चुनाव जीत करके चले गए, ये भी इतिहास कन्नौज का है। ये कन्नौज का इतिहास बहुत पुराना है। अभी जब मैं प्रयाग में गया संगम, तो सबसे पहले मैं जाकर के सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा लगी उस पर फूल चढ़ाने का काम किया, और इसलिए चढ़ाया कि जो आज कुंभ के बहाने जो अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं, ये कुंभ उनकी देन नहीं है। हजारों साल से लोग कुंभ लगा रहे हैं, और सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो वही प्रतापी सम्राट हर्षवर्धन, जिसने कुंभ का आयोजन कराने का काम शुरू किया है।
वो भी इसी धरती के हैं, देश के राजा थे, राजधानी थी देश की, देश की राजधानी रही है कन्नौज, और यहीं का पानी बहता बहता संगम पहुंच जाता है। लोग दावा करते थे कि गंगा साफ हो गई, जिन्होंने हमें सिखाया कुंभ में नहाना। कभी मुख्यमंत्री जी को देखा कैसे कुंभ में नहाए थे? ऐसा कुंभ में नहाए कि शायद वो कभी नहाते नहीं हैं। जब कुंभ में स्नान लिया तो सोचो कैसे स्नान लिया। और आजकल टीवी पर बहुत लोग आ रहे हैं, जब खोलोगे टीवी पर तो टीवी में दिखाई देंगे, और अब तो अपना चैनल भी बना लिया उन्होंने। हम लोगों को उम्मीद थी, टीवी पर नजर गड़ाए बैठे थे कि कुंभ में आ रहे हैं तो शायद 56 इंच का सीना देखने का मौका मिल जाएगा, लेकिन वो भी हसरत हमारी अधूरी रह गई। 56 इंच का सीना कोई नहीं देख पाया। और याद रखना, ये धोखे से सरकार बनाने का काम किया इन्होंने। जो लोग कहते थे कि एक सर अगर हमारा आया तो 10 सर हम पाकिस्तान के लेकर के आएंगे, बताओ इसी साल में 2019 में हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं? हम आपसे 300 का हिसाब नहीं ले रहे हैं। 2019 में जितने जवानों की जान गई है, भूल जाइए पिछले 4 साल, 4.5 साल भूल जाइए, लेकिन 2019 में जितने जवानों की जान गई, हमारे शहीद हुए हैं, अगर उन्हीं के हिसाब किताब लगा लोगे तो आप कितने सर लेकर के आओगे, उसका भी हिसाब किताब बता दो। हमसे तो सवाल करते हो, अगर हम कोई सवाल पूछ लें आपसे, तो कोई सवाल पूछे तो उसमें सवाल करते हो आप, लेकिन आप ये नहीं बताना चाहते कि आज भी हर दिन एक जवान शहीद हो रहा है। वो आंकड़े नहीं आ रहे हैं, जब इन्हें उस आंकड़ों से फायदा होगा तो वो आंकड़े आएंगे, लेकिन चुनाव है इसलिए नहीं बताएंगे कि आज भी जवान वहां पर शहीद हो रहे हैं। दुनिया की बहुत सारे देशों की सीमाएं हैं दूसरे देशों से, कहीं इतनी जाने नहीं जाती होंगी जितनी अपनी भारत में जान जा रही हैं। ये सीमाओं पे जान जा रही हमारे जवानों की, किसान के बेटे की, इसके अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से आज हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए बहुत बड़े बड़े सवाल भी हैं देश के सामने, हम और आपको उलझा रहे हैं दूसरी चीजों में। हमारे मुख्यमंत्री ट्वीट ट्वीट नहीं जानते हैं, न फेसबुक जानते हैं, और अगर फेसबुक पे थोड़ी फोटो गड़बड़ हो गई तो पहचानेगा कौन इन्हें, ये बताओ हमें। और ट्वीट करा रहे हैं, ट्वीट करा रहे हैं कि वायरस कुछ गड़बड़ कर रहा है। हमें तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी के पास कोई वायरस है जो ट्वीट कर रहा है, जिससे नुकसान हो रहा है। इसलिए बहुत सारी बातें हो सकती। कन्नौज से मैं आपसे अपील करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं। अभी सरकार बनी थी, आपने विकास देखा है, खुशहाली देखी है, यही हमारा विकास नहीं, इससे आगे भी विकास लेके जाना है, हमारे किसानों को खुशहाल बनाना है, इन नौजवानों को नौकरी रोजगार और इनके भविष्य को बेहतर करने का काम समाजवादियों का है, समाजवादी विचारधारा इसको लेकर के जाएगी। अभी हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जनता के सामने। बहुत सारी बातें रह गई हैं, बहुत सी बातें जोड़नी हैं कि दुनिया में हम कैसे ताकतवर बने। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भर्ती की थी, अगर समाजवादियों को मौका मिलेगा सरकार में, और जब सरकार बनेगी तो बिना परीक्षा के जो भर्ती हुई थी पुलिस और पीएससी में, इसी तरीके से फौज में और पैरामिलिट्री में हम कराने का काम करेंगे। तो नौकरियां भी देनी हैं, रोजगार के भी अवसर होने हैं, और साथ ही साथ नया प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से समाजवादियों को देना है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं,
कि बहुत सारे कर्मचारियों को जो उनकी पेंशन थी, इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पेंशन को बर्बाद कर दिया। जो योजना थी उसको अलग तरीके से पेश कर दिया। जब समाजवादियों को मौका मिलेगा तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने का काम और कहीं से भी संसाधन जुटाने पड़ेंगे तो करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वहीं मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। ये गठबंधन तो है आदरणीय मायावती जी और समाजवादी पार्टी का, ये गठबंधन तो है हमारा, आपका वोट भी बहुत है। लोग मदद करना चाहते हैं, हर वर्ग के लोग मदद करना चाहते हैं। हम अपनी कन्नौज की जनता से निवेदन करना चाहते हैं और अपील करना चाहते हैं कि अगर समाजवादियों ने कन्नौज को आगे बढ़ाया है और कन्नौज के सम्मान की पहचान और गर्व से कहे कि आप कन्नौज हैं, अगर वो वापस किया है तो एक एक वोट कन्नौज की जनता समाजवादी और डिंपल यादव को दे। अभी तो थोड़ा बहुत काम हुआ, इससे आगे भी काम होगा और ऊंचाई तक ले जाएंगे। और ये सड़क इसी ने बनाई है, ये रफ्तार की सड़क तो है ही, लेकिन इस सुरक्षा जो होनी थी वो रुक गई, सुरक्षा इन्होंने वो भी छीन ली इस सड़क की। अगर सड़क की सुरक्षा जो हम करना चाहते थे, अगर वही सुरक्षा होती तो किसी भी गरीब की, किसी भी गाड़ी छलाने वाले की जान नहीं जाती, वो इंतजाम समाजवादी लोग करने जा रहे थे, इन्होंने नहीं किया। इसलिए रफ्तार दी, तरक्की दी, खुशहाली के रास्ते पे ले जाए। तो इस चुनाव में भी अगर सड़क देश की सबसे अच्छी सड़क है तो जीत भी देश की सबसे अच्छी होनी चाहिए, यही मैं आपसे निवेदन और अपील करना चाहता हूँ। साथ ही साथ एक बार फिर मैं आदरणीय सतीश मिश्रा जी का धन्यवाद दूंगा कि वो पूरे परिवार के साथ आए, उनके आने से नया जोश और मनोबल बढ़ा है। लेकिन हमारा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अपने गांव अपने मोहल्ले में समझ लेना कि कैसे क्या मनाना है, समझाना है, अपने व्यवहार से, अपने मेहनत से, क्योंकि आखिरकार चुनाव तो कार्यकर्ताओं को लड़ना है। एक बार नेता तो इधर उधर देख सकते हैं, लेकिन हमारा समाजवादी कार्यकर्ता इधर उधर नहीं देखेगा, वो हमारी मदद करेगा, समाजवादी पार्टी मदद करेगा। इसलिए अगर चाहते हैं कि ऐतिहासिक वोटों से जीते पार्टी, तो आपको लोगों को मनाना भी पड़ेगा, आपको समझाना भी पड़ेगा। और अगर आपकी कोई गलती है जिसकी वजह से नाराज है तो वो गलती भी स्वीकार कर लेना, माफी मांग लेना और इस चुनाव में सहयोग ले लेना, जिससे कि ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी जीते। कोई मुकाबला नहीं है हमारा, आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से कभी नहीं रहा, हमारा आपका मुकाबला तो बहुजन समाज पार्टी से रहता था, कभी मुकाबला नहीं था बीजेपी से, कभी था बीजेपी से मुकाबला बताओ? ये बीजेपी वाले तो जानते हो कैसे हैं, मुकाबला बहुजन समाज पार्टी से था। और आज जब सतीश मिश्रा जी साथ हैं तो कोई रोक नहीं सकता ऐतिहासिक वोटों से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं और हमारी पार्टी के जितने नेता आए हैं मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे कार्यकर्ता जो जोश और मनोबल बढ़ाते रहे उन सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब वोट पड़ेगा तो ऐतिहासिक वोट होगा, सबसे बड़ी जीत डिंपल यादव की यहाँ से होकर के जाएगी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और मनोज दीक्षित जी का भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे इन्होंने पूरा हमें जगह और अपना उपलब्ध कराया कार्यालय के लिए।